जहां हम टीवी अपनी रमजान प्ले की गेम को काफी ऊपर ले जाना चाह रहा है, तो वहीं जब लास्ट इश्क जलेबी हिट हुआ है तो जियो वाले भी चाह रहे हैं कि उस दफा उनकी भी जो रमजान की गेम है, रमजान प्ले की टीआरपी है, वो भी ऊपर जाए। तो वो प्रोडक्शन हाउस काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बड़े स्टार्स को लेकर आए। इस दफा के लिए अभी उनका कोई कन्फर्म नहीं हुआ कि उनका ड्रामा कौन सा आएगा, इश्क जलेबी सीजन 2 आएगा या नहीं, या कौन सा ड्रामा आएगा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस जो है वो अभी कोशिश कर रहा है कि वो आयजा खान, इमरान अशरफ, दानिश तैमूर, फिरोज खान या सजल अली, इनमें से किसी पेयर को लेकर आए और वो कोशिश करें कि उनकी गेम भी जो रमजान प्ले की है वो काफी ऊपर जाए। क्योंकि सुनो चंदा, चुपके चुपके, ताना बाना, इस जैसे बड़े ड्रामे दे चुके हैं हम टीवी, तो इश्क जलेबी बड़ा हिट गया था, तो इस दफा वो सोच रहे हैं कि इनमें से किसी दो को आगे लाया जाए। तो आप क्या चाहते हैं कि किन को इकट्ठे आना चाहिए, आयजा खान, इमरान अशरफ को, दानिश तैमूर, फिरोज खान, सजल अली, इनमें से आप खुद बनाएं कि कौन से इन पांचों में से दो हैं जो इकट्ठे फ्रेश लगेंगे, अच्छे लगेंगे, केमिस्ट्री अच्छी होगी, रमजान में हमें एक रोमांटिक कॉमेडी अच्छा प्ले देखने को मिलेगा। तो अपनी राय के बारे में जरूर आगाह करें ताकि इस वीडियो के जरिए जो मेकर्स हैं उनको पता लगे कि आखिर किन दो कपल्स का काफी ज्यादा क्रेज है, लोग उनको इकट्ठे देखना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये याद रखिएगा कि आपको इस वीडियो के थ्रू पता चला था इस न्यूज़ का, इस पर ड्रामा बनता है और बहुत बड़ा हिट होता है, तो आपको न्यूज़ यहीं से मिली थी। तो ज़रूर बताइएगा कि इन पांच में से आप किन को इकट्ठा देखना चाहते हैं। जो पांच है वो आयजा खान, इमरान अशरफ, दानिश तैमूर, फिरोज खान और सजल अली हैं। आपके लाजमी बताइएगा कि आप किन दो को इकट्ठे देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होती है तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।